कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने आज डीआरडी हाल धर्मशाला में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए गठित कमेटी दिशा की अध्यक्षता की और जिला कांगड़ा में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक में अध्यक्षता की। इससे पूर्व उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए बनाई गई कमेटी की भी अध्यक्षता की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश में हुए अवैध निर्माण को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। शांता कुमार ने कहा कि आज दिल्ली में करोड़ों रुपए की संपत्ति को बुलडोजरों से रौंदा गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लोगों के लालच के चलते अवैध निर्माण होता है और सरकारी जमीन पर कब्जे होते हैं। उन्होंने कहा कि सालों तक ऐसा होता रहा है और जब मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है तब न्यायालय सख्ती से कदम उठाता है। शांता ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारों का सबसे बड़ा कार्य ये है कि सरकारें नियम बनाएं और यदि कहीं पर कोई अवैध कब्जा होता है तो सबसे पहले उस विभाग के अधिकारियों को सजा ही नहीं बल्कि सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे ये संदेश जाएगा कि आगे लोग इस प्रकार का कोई गड़बड़ी और अवैध निर्माण ना करें और यदि लोग गैर कानूनी करते हैं तो कुछ सालों के बाद ये कानून के दायरे में ही आ जाएगा। सांसद ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहा है और जल्द ही जयराम सरकार पर्यटन को नई नीति बनाने जा रही है जिसके बाद प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और अधिक कोशिशें की जाएंगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हिमाचल में आज और इसका कारण है कि पिछली सरकारों ने नियमों का नहीं बनाया और केवल यही नहीं हो रहा है, दिल्ली में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को बुलडोजर ने उड़ाया क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण और लोगों के लालच के कारण इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, सरकारी जमीन पर कब्जे होते हैं, वर्षों तक होते हैं, मामला जब जुडिशी तक जाता है तब जुडिशी सख्ती से कदम उठाती है और ये बड़ा दुर्भाग्य। तो मैंने तो सरकार को कहा सबसे बड़ा काम तो यह है कि सरकार नियम बनाए कि यदि कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती कहीं पर किसी प्रकार की और नाजायज कब्जा होता है सबसे पहले उस विभाग के वहां के अधिकारी को सजा और मैं सबसे सख्त सजा दी जाए, उसको सरकारी नौकरी से निकाल देना चाहिए। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी पर है, वो भ्रष्टाचार के कारण पैसे लेकर के ये सारी बातें होती है और सचमुच हिमाचल प्रदेश में जो होटल्स और बाकी सबके बारे में हो रहा है और उनको कंस्ट्रक्शन गिरानी पड़ रही है उनको बारे उससे पर्यटन को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो गैर कानूनी हुआ है उसको तो कानूनी नहीं बनाया जा सकता और गैर कानूनी को कानूनी बनाने के हाथ में मैं तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हूं। उससे संदेश जाएगा आगे के लोगों का, तुम भी गड़बड़ करो कुछ साल के बाद फिर से ये कानूनी बन जाएगा। तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, बहुत जल्दी सरकार नई नीति बनाने वाली है, पर्यटन की नई नीति सरकार बनाएगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश होगी। हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं और हिमाचल की नई सरकार उन सारी संभावनाओं के मुताबिक काम करने की कोशिश करेगी। सर पठानकोट मंडी